नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। मध्य प्रदेश के पन्ना में वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग कर्मचारी बीट पर थे कि उन्हें कुछ व्यक्ति दिखे जिनके हाथों में हथियार थे। कर्मचारियों को देखकर शिकारियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारियों ने शिकारियों को ललकारा और दो को पकड़ लिया और फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कह रही है। आपको बता दें कि इस दौरान शिकारियों से हथियार भी बरामद हुए हैं। जी सर, माजरा बताएं क्या है? सर, अभी जो ये आरोपी पकड़े गए हैं, ये किस जुर्म में पकड़े गए हैं और क्या है पूरा मामला? ये वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 50, 51, 52 के उल्लंघन में पकड़े गए हैं। ये बीट टिकरिया के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1214 में वन्य प्राणी तेंदुआ या बाघ के शिकार की नियत से पेड़ पर मचान बनाकर बिना पंजीयन दो भड़तल बंदूक लिए हुए बैठे थे, जिन्हें जो है डिप्टी रेंजर सरई खेड़ा व उनकी टीम ने रात्रि 1:20 बजे पकड़ा। ये बताइए, क्या शिकार खेलते समय आप लोगों को ये डर नहीं लगता कि हम लोग पकड़ जाएंगे? लगता तो है सर। फिर क्यों जाते हैं आप? सर, गलती हो जाती है तब क्या करें। तो ये बंदूकें कहाँ से आई आपके पास? सर, एक गली गली थी, बनाई थी, उसी को देखने। नहीं, ये बंदूक किसने दी आपको? सर, बनवाई थी। आपने बनाई थी? आप बंदूक का बनाने का काम करते हैं? तो फिर आपने कैसे बना ली इस बंदूकों को? भड़तल को देख के। सामग्री कहाँ से लाए थे आप ये बनाने वाली? सामान नहीं है उसके आस पास। और पोटाश वगैरह, छर्रा वगैरह, ये बारूद वगैरह, ये कहाँ से लाए थे आप? किनकी दुकान से? किसकी दुकान? तेज बोलिए। आपके पास जो बंदूकें बरामद हुई हैं, ये बंदूकें आप लोग कहाँ से लाए थे? हमारे पास नहीं थी, पास नहीं है। अच्छा, कितनी बंदूकें थी भाई? ये किसकी बंदूकें हैं, आपकी हैं या इनकी हैं? बहित की हैं। तो आपको मालूम होगा कि ये बंदूकें कहाँ से आई? इनने बनाई है। ये अपने घर में बंदूकें बनाते हैं। अच्छा, ये बताइए सामग्री वगैरह जो इसमें लगी है, ये सामग्री कहाँ से लेकर के आई थी? और पोटाश, दारू, छर्रा, ये कहाँ से लेकर के आए? कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? आनंदपुरा। कौन सी ग्राम पंचायत? राजस्थान के भरतपुर में थाना अधिकारी सहित पुलिस कर्मियों का तबादला रोकने की मांग को लेकर लोगों ने उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह सहित पुलिस के आला अधिकारियों को सौंपा। प्रदर्शन तक के मांगों को लेकर हुआ है। कोतवाल को उमेर थाना में लगाया जाए, क्योंकि ईमानदार आदमी है। कस्बा की चोरी, गुंडागिर्दी सभी खत्म कर दी है। ईमानदार आदमी है, इसलिए सब जनता की, कस्बा कुमेर की, ग्रामीण कुमेर की मांग है कि कोतवाल पुणे थाना कुमेर लगाया जाए। जाम नहीं होता है, अड्डे की जाम व्यवस्था सुचारू कर दे, कोई व्यवस्था सही चल रही है, ग्रामीण कम हुए, बहुत कम हुआ है, इसलिए सबसे निवेदन है आज जो हमारे क्षेत्र में जारी रहेगा। हमारे कैबिनेट मंत्री साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे नाटिया शांति चाहते हैं क्षेत्र में, जिले में, और ठीक कुमेर में। आज से करीब 10 साल पहले बहुत बड़ी गुंडागिरी होती थी, 90% आज गुंडागिरी 0 पे। और ऐसे शख्स जरूरत है, ऐसे मंत्री की हमको जरूरत है। लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी करवानी है तो आइए खानपुर थाने। यहाँ पर मुंशी के पद पर बैठे ये महाराज श्रीमान प्रभाकर चुनाव में किसकी लहर है किसकी नहीं, थाने में कुर्सी पर बैठकर ही इसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। सरकारी पद पर बैठे किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को राजनीतिक टिप्पणी करने का अधिकार किसने दे दिया जो ये जनता को बरगला रहा है? पद बुलंदशहर के खानपुर थाना कोतवाली में बैठा, खाकी वर्दी पहने, ये है मुंशी प्रभाकर, जो बता रहा है कि इस समय देश में मोदी की लहर नहीं है। जब खाकी वर्दी पहने ही कर्मचारी अधिकारी इस तरह से कहेंगे तो पब्लिक पर इसका क्या असर पड़ेगा? सिपाही के इस बयान को लेकर भाजपाइयों में खासा उबाल। कैमरामैन अदनान के साथ सीएमएन न्यूज़, रिजवान अंसारी, बुलंदशहर। लोकसभा चुनावों की तारीख नजदीक आते ही अब गांव में मोदी के मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा का जमकर विरोध होने लगा है। ताजा मामला गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के गांव महेपा जागीर का है।
जहां युवा मतदाताओं ने गांव में सांसद के ना आने से नाराज होकर जमकर डॉक्टर महेश शर्मा के विरोध में प्रदर्शन किया और दावा किया कि गांव में मोदी के मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा को वोट तो दूर पानी भी नहीं देंगे। युवा मतदाताओं ने अपना वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। गुरुग्राम के सिदरावली गांव में यादव होटल मालिक पर गांव के ही सरपंच द्वारा गोली चलवाने का मामला सामने आया है। दरअसल ये वाक्य दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के आखिरी गांव सिदरावली गांव का है। सिदरावली गांव के यादव होटल के मालिक ईश्वर और उसके बेटे पर सिदरावली गांव के सरपंच द्वारा अवैध वसूली के तहत गोली मरवाने का मामला सामने आया है। गोली चलाने वाले मौके से गोली मारकर फरार हो गए। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए मानेसर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पिता पुत्र खतरे से बाहर हैं। वहीं पुलिस ने हत्या का प्रयास और आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। हाँ जी, क्या घटना हुई थी? कल रात को ये 2 लड़के आए गाँव के, सिदरावली गाँव के थे, दीपक और गोची और कपिल। हाँ जी, वो आए हैं आते ही उन लड़के के लिए पूछा, लड़का सामने खड़े हुए था, उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। मैं बचाव में चला तो मेरे ऊपर भी फायरिंग कर दी और फायरिंग करके चलते बने। और सरपंच ने अल्टीमेटम दिया था कि 10 दिन के अंदर ये काम बंद कर दो, ना जी इसका अंजाम हो रहा होगा। अब जो मौजूदा सरपंच है उसने ये कहा था? उसने किया जी। अच्छा, फिलहाल गाँव में मौजूद। क्या कारण था फिर चलाने गोली चलाने का? कोई पता नहीं लगा जी, हमने तो अभी कोई पता ही नहीं लगा। फ़ोन पे धमकी दी है, वैसे भी फ़ोन की हमारे पास भी डिटेल है और कैमरे में वो गया है सारा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा और तरीन खबरों के लिए बना रहिए CNN News पर। तब तक के लिए नमस्कार।